जहाँ एक गुड लुकिंग लड़के ने एडमिशन लिया, नाम व्योम भी दी, और फिर उस कॉलेज में आई एक लड़की शरण्या पिष्ट, पागल बना गई, दीवाना कर गई। उसके प्यार में ना जाने क्या क्या करने लगा। पहले उसका दोस्त बना। हाय व्योम बेदी। हाय आई एम शरण्या बेस्ट। फिर उसके लिए गाना भी गाया। एक्चुअली गाना मैंने नहीं गाया था, गाना गाया था किसी और ने। सुबह से मैंने गाया था दिल से। गुजर रहा है मेरे दिल से मेरी जो तक, तू ही तो सुकून मेरा, तू ही है जुनूनियत। मैं कहाँ पहुंच गया, ये शरण्या भी जो है पागल बना देती है। हाँ तो कहाँ था मैं, रॉयल हिल्स कॉलेज, जहाँ एक लड़का आया एक लड़की आई और व्योम बेदी पागल हो गया, दीवाना हो गया। लेकिन फिर उस कॉलेज में आया एक राक्षस, लंबा राक्षस, नहीं और लंबा राक्षस। वो शरण्या के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। गरीब, पूरा कॉलेज जानता है गरीब हूँ। सिंपति, अनाथ, तुम जानती हो ना मैं अनाथ हूँ। सिंपति, मैं अमीर, प्रॉब्लम, मेरे माँ बाप प्रॉब्लम, तो कहां से पटनी थी शरण्या। सब गरीब के पीछे भागते, वो भी भागे। अब तक तो तुम समझ गई होंगी कि ये राक्षस कौन है। लंबा, सोचो सही जवाब के वही है शिव। पिछले जन्म में उसका नाम शिव था। अगर मैं शिव का हम शक्ल होता तो स्वर्ण को देख के मुझे एक अजीब सा एहसास क्यों होता, क्यों उनका दर्द देख के मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उन गुंडों से लड़ाई कर ली। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसी रिएक्ट नहीं किया। जब उन्होंने मुझे हक किया तो अपनापन सा महसूस हुआ। नहीं, ये कहानी सिर्फ दो चेहरों की नहीं है, इसीलिए तुमने भी मुझे शिव कहकर बुलाया। इसीलिए तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता है। इसीलिए तुमसे बिना मिले मैंने तुम्हारी पेंटिंग बना दी। राधिका, अगर ये मेरा पुनर्जन्म है तो तुम्हारा भी है।
क्योंकि ये शिव शरण्या के इर्द गिर्द घूमने लगा तो शरण्या उसकी चाल में फंस गई और उसने सच्चे दीवाने व्योम वेदी को छोड़ के उस राक्षस को चुन लिया। लेकिन मैं भी नहीं आ रहा। मैंने अब बनाया अपना प्लान, मास्टर प्लान, शिव को मारने का। मुझे मौका मिला, मैंने चाकू लिया और उसकी पीठ में डाल दिया। शिव का खेल खत्म। फिर चालू हुई शरण्या और व्योम वेदी की कहानी। उसका ख्याल रखना, हॉस्पिटल में दिन रात उसकी सेवा करना, और वो मुझे पसंद भी करने लग गई थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके, रामू काका बन चुके, और शादी करोगे मुझसे? लेकिन फिर राक्षस वापस आया, भूत बन के आया। अब ये भूत फिर से शरण्या के इर्द गिर्द घूमने लग गया। मुझे थोड़ा वक्त लगा इस भूत के बारे में पता चले, लेकिन इस बीच बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैंने तुमसे कहा था हमारा कोई पुराना रिश्ता है इस घर से, राजन, माधवी, स्वर्णा से। ठीक कह रहे हो तुम क्रिश। All this is making sense. Sharanya, इस नाम से मुझे पहले से ही कुछ कनेक्शन फील होता था, लेकिन कौन, कितनी पुरानी है ये कहानी? पचास साल से फसाना चले आ रहा है। और इसमें ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान खो दी है। ऐसे नहीं गवाई, वो मेरे और शरण्या के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं वापस इस भूत में। ये भूत पीछा नहीं छोड़ रहा था, ना मेरा ना शरण्या का। तो इस भूत को मारने के लिए बहुत पापड़ मिले। किसी तरह उसको मैंने अर्थी तक पहुंचा दिया। शरण्या के हाथों से ही उसको ठीठ भूत था, ठीठ भूत, बड़ा ही ठीठ भूत था, वापस आ गया। फिर वो हुआ जो नहीं होना था। उस बूढ़ी स्वर्णा ने मेरी शरण्या मुझसे छीन ली। मैंने बिजली बंदूक लगाई अपने आप। शरण्या नहीं, व्योम नहीं,
व्योम, व्योम, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? तुझे शरण्य के बिना जिंदा रहना होगा व्योम, और मैं तुझे हर सांस तड़पते हुए देखना चाहती हूँ व्योम। तेरी हर सांस तुझे याद दिलाएगी कि शरण्य शिव से प्यार करती थी और तुझसे नफरत। यही तेरी सबसे बड़ी सजा है व्योम, और तू जिंदा रह के अपनी हार का मातम मनाएगा। बुढ़िया ने मेरी जान तो बचा ली, पर छोड़ दिया तड़पने के लिए अपनी शरण्या के इंतजार में। बुढ़िया का बहुत लंबा गेम प्लान था। एक बात याद रखना, दूसरों का बुरा करने वालों का अपना कभी भला नहीं होता। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पति को मार दिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुमने, 25 साल तक मुझे उस काल कोठरी में जानवरों से भी बदतर रखा। किसके लिए? अपने इस बेटे के लिए ना। देख आज तेरे बेटे की क्या हालत है। अकेला रह गया है वो, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है, और अब तुम दोनों अपने बेटे के लिए तरसोगे। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। इसकी बात सुन, ये औरत पागल है। व्योम, 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 आंखें खोलो, मैं तुम जैसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारा दीवाना व्योम अकेला कैसे जिएगा तुम्हारे बिना? चलने प्लीज आंखें खोलो। शरण्या, मैं तुम्हें से जाने नहीं दूंगा। तुम मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई इंसान ना कोई भगवान, समझ रही शरण्या? शरण्या आंखें खोलना, व्योम मेरी बात सुन। शरण्या प्लीज, हम शरण्या को वापस लाएंगे। अगर शिव मर के वापस आ सकता है तो शरण्या क्यों नहीं? हम शरण्या का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बुलाएंगे वापस उसे। वापस मेरा वादा है तुझसे, मेरी शरण आएगी तेरे लिए। तुम बताओ दीवाना वो कि दीवाना मैं? दीवाना वो कि दीवाना मैं? तांत्रिक वो काम में आ गई। उसने बताया कि शरण्या फिर जन्म लेगी। शरण्या को वापस जिंदा कैसे करना है बता। नहीं बताऊंगी। आज तक मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज मैं वो सब कर जाऊंगी जो मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है।
शरण्या वापस कैसे आएगी? तू कुछ भी कर ले माधवी, लेकिन तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ओनली उन्हें कुछ मत बताना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर तुमने शरण्या को जिंदा करने का तरीका नहीं बताया, ऐसे जान से मार दूंगा। रुको! मैं बताती हूं राजन बेदी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। इंसान का शरीर कपड़ों जैसा होता है, हर जन्म में बदलता है, लेकिन आत्मा आत्मा तो अमर होती है। इंसान को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। शिव और शरण्या वापस आएंगे। और तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी कहानी का अंत वही करेगा। शिव, शिव वापस आएगा और बदला लेगा। शरण्या, शरण्या वापस कैसे आएगी? ये बता। उसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर वो ही बताएगी कि वो वापस कैसे आएगी। शरण्या की ख्वाहिश अधूरी थी ना, तो उसे तो वापस आना ही था। ओढ़नी ने कहा था कि वो शिव के लिए वापस आएगी, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए वापस आई। हमारी अधूरी कहानी अब पूरी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.